बड़ी दया आती है मीडिया वालों पर, और खास कर उन पर जो डिफेंड करने लगते हैं जो डिफेंड करने के लायक ना हो। अब ये नई कहानी पता नहीं कहाँ से आई कि एक मंदिर में गए जनवरी के महीने में, पुजारी ने कहा कि मोदी जी ने उसमें जो सफेद लिफाफा डाला था उसमें मात्र 11 रुपए निकले या 21 रुपए निकले। वैसे क्या फर्क पड़ता है, श्रद्धा की बात है, भगवान के सामने आप कितना भी देना चाहें वो तो आपकी मर्जी है, बाकी अडानी को दे दीजिए। खैर, अब डिफेंड क्या किया जा रहा था कि नहीं मोदी जी ने लिफाफा नहीं डाला, उसमें पैसे डाले, पैसे ऐसे पकड़े हुए, पैसे ऐसे पकड़े हुए। अरे रूबिका बहन, क्या हालत बना ली अपनी। हाँ, बैन जरूर हो गई हो, और बैन भी क्यों कहूं भाई, हमने तो आपको छूट दे दी है कि आप जो जी में आए करो, लेकिन कम से कम अपना लेवल इतना तो मत गिराओ कि डिफेंड करने के लिए मोदी जी को ये सब कारस्तानी करनी पड़े। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें लिफाफा डाला है? और अगर आपको लग रहा है कि लिफाफा डाला है, क्योंकि ये विजुअल आप जरा गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। ये जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, ये 200 रुपए के नोट वाला इलाका है, और अंदर कुछ गड्डियां हैं। अगर मान लीजिए 21 रुपया होता तो वो तो स्लिप हो जाता ना, लेकिन वो गड्डी है आप देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पुश कर रहे हैं ताकि वो अंदर की तरफ चला जाए। अब अगर गड्डी होगी तभी तो पुश करना होगा। मान लीजिए केवल 21 रुपए या लिफाफा होता तो वो इस, ये देखिए आपको वहां पे पट्टी भी दिखाई देगी, ये है और इसके पीछे कुछ और नोट है। वो लिफाफा नहीं है सफेद रंग का, जैसा पुजारी जी कह रहे हैं, सफेद रंग का लिफाफा नहीं है वो, इस तरीके से एक गड्डी है रुपयों की जो अंदर दान की जा रही है, बिल्कुल इसी अंदर।